को नहीं देखा मगर अकल से पहचाना है, आपकी अकल क्या कहती है? आपने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया है मेरे हिसाब से, और वही वाली चीज है, इशारा काफी होता है अकलमंदों के लिए, तो उन्हें समझ जाना चाहिए। बट उन्हें सीरियस नोट क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर जिनको नहीं समझ आई, जो इतने अकलमंद नहीं है। कुछ कुछ सीन्स हैं जो फ्लैशबैक में है, जो आएंगे अगली एपिसोड्स के अंदर, उससे पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। बट आई जस्ट डोंट वांट टू रिवील द सरप्राइज एलिमेंट, यू नो, द एज ऑफ द सीट, यू नो, कि जो लोग देख रहे हैं, I'm sure that people are enjoying this particular show, मेरे पास तुम हो। उसके अंदर कुछ surprise elements भी हैं, कुछ provoking elements भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल जाएंगे। मुझे ये बताएं कि जिस तरह का reaction और feedback आपको मेरे पास तुम हो के लिए मिल रहा है, is it really unprecedented? Listen, first thing you have to understand that I am not the antagonist in this. I was going to come to that, okay, but ठीक है। तो मुझे बहुत पजीराई मिल रही है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे उरूसा से जो क्लेम टू फेम मिला था वो दोबारा एक रिवाइव हुआ है, इंजन ओवरऑल हुआ है एक दोबारा, और वो फिर रवा दवा हो रहा है, और एक एप्रिसिएशन मुझे मिली है। आप कैसे पता लगाते हैं एप्रिसिएशन का? जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं, जब आपको फीडबैक्स आ रही होती हैं, जब आपको कॉल्स आ रही होती हैं, एंड स्पेशली योर सिस्टर्स, योर कजन्स कॉलिंग यू, which they never call you, usually, कैसे हो तुम, ड्रामे के लिए मुझे फोन कर रहे हैं, तो वो उसकी कोई रीजनिंग होगी। But then, luckily I was traveling in these time, तो उस हवाले से एयरपोर्ट से लेकर यूएसए तक जो मुझे उसकी पेजीराई मिली, लंदन तक जो मिली, मैं इनफैक्ट लंदन भी हो आया, यूएसए भी हो आया, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। पहले जब ये ड्रामा बन रहा था तो मैं तीन लोगों को बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ इस ड्रामे के हवाले से। नंबर वन, ऑफ कोर्स खलील रहमान कमर, हु रोट दिस ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। नंबर टू, हुमायूं सईद, हु ऑफर्ड मी द रोल। नंबर थ्री, नदीम बेग। आप यकीन माने कि इट वॉज एन ईजी फॉर मी टू डू दिस रोल। ए, इट वॉज टफ मेमोराइजिंग दोज लाइन्स फॉर मी, सो Nadeem was there to support me and he was prompting and I was just delivering it. How did it come? Kaisa aaya wo aap logo ko acha laga? Kyunki mere dimag mein to yehi hota tha, agli line kya hai? Main to un scene mein hota hi nahi tha. Seriously, I'm not kidding. To iska hum ye matlab lein ke Shahwar jo hai wo Adnan Siddiqui hi hain, kyunki real life mein aap charming to hain, ye bhi hame pata hai. Suave, cool, stylish, ye bhi aap hain. Polite bhi bahut zyada hain. और किसी को यू नो स्वीपिंग देम ऑफ देयर फीट बड़े आराम से कर लेते हैं, तो हाउ मच ऑफ अदनान सिद्दीकी हैव यू एक्चुअली लेंट टू शवार? एक्चुअली आई रियली डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस दैट दिस इज यू, दिस इज यू। मैंने तो मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, दिस इज नॉट मी यार, दिस इज शवार। आई पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन इट यार, इट्स कॉल्ड मेथड एक्टिंग यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो यस, तो आई थिंक ये मुझे इनहेरिट हुआ है मेरे वाले साहब की तरफ से, ही वॉज अ चार्मर। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, एंड आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल मॉडेस्ट हुए है, एंड आई बिलीव मॉडेस्टी इज ऑल ऑनेस्टी, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत जो कपड़े पहनने का जो मुझे ढंग आ गया वो मेरे वाले साहब की वजह से। बैंकर थे, आपको पता है बैंकर्स कैसे स्टाइलिश होते हैं, कैसे कपड़े पहनने, कहाँ टाई आनी है, क्या पॉकेट स्क्वायर होना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट यार, आपकी सूट्स कहाँ से आए, आपके पॉकेट स्क्वायर कहाँ से आए, एंड व्हाई ओनली वेयरिंग द वाइट शर्ट ओनली? तो मैंने कहा भाई, मैंने तो सिर्फ एक फॉलो किया है अपने अब्बा की ड्रेसिंग को, क्योंकि मुझे याद है कि वो मुझे ये कहा करते थे कि जब भी आप सूट पहनते हैं आप सिर्फ सफेद शर्ट पहनते हैं, उसके नीचे और कुछ नहीं पहनते। तो मैं बस बहुत ही क्लासिकल वे से उसको ड्रेसअप करना चाह रहा हूँ अपने आप को। एक मैंने कहीं पढ़ा था, एंड बहुत बड़े एक्टर मार्लन ब्रांडो, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मार्क्स देने हो एक्टर को आउट ऑफ 100, तो 95% मैं उसको मार्क्स देता हूं उसकी लुक्स पे। अब लुक्स के अंदर उसके कपड़े आ जाते हैं, उसके चलने का अंदाज आ जाता है, उसके बात करने का अंदाज आ जाता है, उसकी डायलॉग डिलीवरी आ जाती है, एवरीथिंग कम्स इन दैट। 4% उसको मैं मार्क्स देता हूँ लक के,
1% उसको मार्क देता हूँ मैं एक्टिंग के. तो अगर इतना बड़ा कोई एक्टर इतनी बड़ी बात कर रहा है तो उसी को फॉलो कर लो, क्योंकि एक्टिंग तो आती नहीं है. बाकी चीज तो कर सकते हैं, तो वो उसी को फॉलो. नो बट गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, द कैरेक्टर शावार, डू यू सी योरसेल्फ इन हिम? I don't think so in that way. I don't go after married women. Absolutely not. और मैं तो बस खूबसूरती की तारीफ करता हूँ और इनको देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, कहता हूँ माशाल्लाह. अभी तो यू डू साउंड लाइक शावार बाय द वे. व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू यू, डिड यू हैव एनी कंसर्न्स एट ऑल? माय कंसर्न्स वर कि क्या रोल क्या है ये, इज ही प्लेइंग द नेगेटिव, और क्या कर रहा है ये आदमी. मेरा एक अपने आप से सवाल होता है. तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई शरीफ आदमी वो है जिसको कोई चांस नहीं मिला. और मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं वो रोल प्ले कर रहा हूं जो हर मर्द होता है. चांस लेता है वो, उसने भी चांस लिया. अब ये लड़की पे है, डिपेंड करता है, शी वांट्स टू टेक इट और लीव इट, इट्स अप टू हर. वो छोड़ देती तो कहानी खत्म हो जाती. तो मेरे ख्याल में हर मर्द की तरह इस आदमी ने भी, शहवार ने भी चांस लिया है, वो भी चार्म कर रहा है उसको, एंड शी इज फॉलिंग फॉर इट, दैट्स अबाउट इट. मगर मुझे अंदाजा हो सकता है कि मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये इसका विलेन है. विद ड्यू रिस्पेक्ट आयजा, मुझे लगता है जो आयजा ने इतनी खूबसूरती से जो किरदार प्ले किया है महवेश, वो है. और एक चीज़ मैं बार बार लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग ड्रामा देखते हैं, पजीराई करते हैं, सब करते हैं, एक चीज़ आप लोग भूल जाते हैं कि वो किरदार है, वो इंसान नहीं है जो उसके पीछे काम कर रहे हैं. तो चाहे वो हुमायूं सईद हो, चाहे वो आयजा खान हो, चाहे वो अदनान सिद्दीकी हो, ये उनकी कहानी नहीं है, ये महवेश, दानिश और शहवार की कहानी है. तो उसको उसी अंदाज से देखें, ठीक है, रिलेटेबल होता है, लोग पसंद करते हैं और उसके साथ लोग शेयर करने लगते हैं. मेरे ख्याल में एक किसी किरदार की कामयाबी यही है कि उसको उसके हवाले से जोड़ा जाए. ऑन अ पर्सनल लेवल वुड यू थिंक के शावार फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही थिंक्स के जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट हैपिली मैरिड, ही टुक अ चांस ऑन अ वुमन, ही इज ट्राइंग टू चार्म हर. अब वो अगर फंसती जा रही है तो डू यू थिंक शावार की कोई, एज यू सेड, he's not a typical villain, he's a very confident man, usko pata hai, you know, he's playing his cards beautifully, usko, you know, when you start reading the mind, not only mehvish, usko ye bhi pata hai ki usko darish se kaise baat karni hai, usko kaise handle karna hai, aur bahut hi cool andaaz mein wo dono ke sath deal kar raha hai. आगे क्या होगा मैं नहीं कुछ बताऊंगा, बट सो फार जो वो कर रहा है उसको पता है वो कर क्या रहा है, वो बात क्या करना चाह रहा है, वो किरदार क्या है, वो उसकी गुफ्तगू में उसका अंदाज क्या है. उसको ये भी अंदाजा हो गया है कि लड़की जो महविश है वो थोड़ी सी लालची भी है, तो उसको उसी अंदाज से वो प्ले भी कर रहा है, उसको कह रहा है कि तुम आओ, आप एक काम करें, आप कोई काम ना करें, सिर्फ बैठे रहें. तो मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बताता हूँ कि मैं अमेरिका में था और लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए आ रहे थे और बड़े लोग आए और इसी हवाले से बात कर रहे थे, मेरे पास तो मौजी बड़ा मज़ा आ रहा है. मैं सोच रहा था कि आपको अच्छा लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ. मैंने ख़ास तौर से ये ख़वातीन से पूछा कि जो मैं कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें मजा आ रहा है आप जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारे साथ कोई इस तरह फ्लर्ट करे. हम तो, हमारी तो सिर्फ एक कहानी रह गई, हम घर पे होते हैं, बच्चों को पालते हैं, खाना बनाते हैं, मियाँ आते हैं, दावतों में चले जाते हैं, बस. और मेरे ख्याल में ये एक नॉर्मल लाइफ, मगर हर कोई चाहता, अच्छा है कि साथ रहे पास बात, या कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दो. तो वो चाहते हैं कि यार इस किस्म की कोई बात हो, बट not in reality, fantasize तो कर सकते हैं,
देख तो सकते हैं ना, इंजॉय तो कर सकते हैं. तो मुझे नहीं लग, जो मैं समझ रहा था कि मुझे बहुत ही इसके लिए बैशिंग होगी, इतनी नहीं हो रही, बल्कि हो ही नहीं रही. मैं तो कहूंगा मुझे तो मुझे नहीं लग रहा, मैं हैरान भी हूं. ये आपको सही लग रहा है जो मैं कर रहा हूं? बिल्कुल गलत कर रहा है. मतलब मैं से मुराद है शहवार जो कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है. एंड होना नहीं चाहिए ये, अगर सही लग रहा है तो ताज्जुब. सर एक सवाल जो मेरे दिमाग में काफी अरसे से घूम रहा है वो ये है कि डज शहवार एक्चुअली लव महविश? मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत पसंद आई है, और आदमी को दोबारा मोहब्बत हो सकती है, उस औरत को भी दोबारा मोहब्बत हो सकती है. शायद मोहब्बत है उसको, जो जो उसको इस ये करने पे प्रोवोक कर रही है, जो ये करने पे मजबूर कर रही है उसको. बिकॉज महविश जो कि जो दोस्त है उसके थ्रू हमने ये तो सुना है ना कि ही फ्लर्ट्स अराउंड विद वुमेन, ही इज अ वुमनाइजर.